हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम प्रज्वल सिंह है और आपका टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है और हम आपका केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे। आपको पता है कि आपका यूपी बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है और आपकी एग्ज़ाम हो सकती है मार्च में स्टार्ट हो या तो आपका एग्ज़ाम अप्रैल में जाकर के स्टार्ट होगा। तो हम प्रयास करेंगे कि आपका 20 मार्च तक क्रैश कोर्स को समाप्त कर लें। यहाँ पर हम सब क्रैश कोर्स पढ़ेंगे कि हम यूपी बोर्ड में कैसे कब टाइम में अपने क्षमताओं का अपने ऊर्जा का सही उपयोग करते हुए अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। तो ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने हेडिंग लगाया रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान के नीचे में लिखा है जनक, तो मतलब रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है? तो आप याद एंटोनी लियोजियर रसायन विज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करें कि रसायन विज्ञान क्या है, तो आपको पता होगा कि रसायन विज्ञान को हम इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति आपकी कीमिया शब्द से हुई है। तो केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है, रसायन विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं आपकी हम केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह हुई है कीमिया शब्द से। और आपको पता होना चाहिए कि कीमिया का अर्थ होता है क्या? काला लोग। क्योंकि पहले समय में मिस्र देश को लोग कालों का देश, काले लोगों का देश जानते थे। तो सबसे पहले ये जो केमिस्ट्री रही मिस्र देश से उत्पन्न हुई, लेकिन इसका उपयोग इतना ज़बरदस्त रहा कि कुछ ही टाइम में यह पूरे विश्व में बहुत ही तेज़ी से फैल गया। तो रसायन विज्ञान है क्या, आओ हम जानें। अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो रसायन विज्ञान क्या है? जैसे कि आपका एक मार्कर है। अब ये मार्कर आपका बना कैसे होगा? जो भी अणु हैं उनकी संरचना कैसी होगी, जो भी एटम्स हैं वो जुड़े कैसे होंगे, और आपके जिन जिन पदार्थों का इसमें उपयोग किया गया है उसका संगठन कैसा होगा, उसका कंपोजिशन कैसा होगा। और ये मार्कर जो बनकर आपका तैयार हुआ, ये जो मार्कर आप देख रहे हैं, ये मार्कर जो आपका बनकर तैयार हुआ, इसे हम कैसे बनाए होंगे, और इस पर विभिन्न कारकों का जैसे कि ताप का, जैसे कि ऊष्मा का, जैसे कि नमी का, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका हम उपयोग कैसे करेंगे, इसका उपयोग क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ में आपका कुछ भी हो सकता है। अब पदार्थ क्या है, तो पदार्थ में हम ये दो चीज़ें लिख रहे हैं कि जिसमें भैया क्या हो, द्रव्यमान हो, वह क्या हो, स्थान घेरता हो, वही आपका क्या है, पदार्थ है। जिसमें क्या हो, आपका द्रव्यमान हो, वह स्थान घेरता, वही क्या है, पदार्थ है। जिसके अंतर्गत हम पदार्थ की संरचना और उसके संगठन, पदार्थ की संरचना और उसके संगठन बनाने की विधि, गुणधर्म, बाह्य कारकों का प्रभाव आदि तथा उपयोग आदि का अध्ययन करते हैं तो आप डिफिनेशन को देखिए, हमने क्या लिखा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ की संरचना, संगठन, बनाने की विधि, गुणधर्म, बाह्य कारकों का प्रभाव तथा उपयोग आदि का अध्ययन करते हैं। अब रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? रसायन विज्ञान को यदि हम क्लास 12 के दृष्टिकोण से देखें तो रसायन विज्ञान के मुख्य रूप से 3 भाग हैं, आओ उसे हम सीखें। तो रसायन विज्ञान के 3 भाग कौन कौन से हैं, इसे हम सीखें। तो पहला भाग आपका होता है अकार्बनिक रसायन, जिसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो जन्मदाता हैं वो आपके क्या हैं, वर्नर माने जाते हैं। तो दूसरा क्या है, कार्बनिक रसायन।
तो जो कार्बनिक रसायन के जन्मदाता हैं, आपने सुना होगा वोलर का नाम, जिन्होंने जैव से सिद्धांत का खंडन किया था प्रयोगशाला में यूरिया बना करके। तो कार्बनिक रसायन को हम कहते हैं इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? एफ वोलर माने जाते हैं। और एक केमिस्ट्री है आपकी जिसको अक्सर लोग हम इग्नोर कर देते हैं, और क्लास टॉपर में पहला ही चैप्टर हम इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं भौतिकी रसायन का। तो भौतिकी रसायन को हम कहते हैं आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। आप यहाँ पर तीन केमिस्ट्री देख रहे हैं, तो पहली क्या है आपकी अकार्बनिक रसायन, और दूसरी क्या है कार्बनिक रसायन, और फिर क्या है भौतिकी केमिस्ट्री। तो कार्बनिक रसायन क्या है और अकार्बनिक क्या है, भौतिकी रसायन क्या है, इसके विषय में आओ हम सीखें कि इसे हमने जो डिवाइडेशन किया है, जो हमने डिवाइड किया है इसे, तो हमने किस आधार पर डिवाइड किया है। जैसा कि आप सबको पता है इस समय ज्ञात कुल तत्वों की संख्या 118 है। 118 तत्वों में से लगभग आपके 90 तत्व आपके नेचर में पाए जाते हैं, और बचे हुए जो तत्व हैं वो मानव निर्मित तत्व हैं। तो हम बात करें अगर कुल तत्वों की संख्या, तो कुल तत्वों की संख्या कितनी है आपकी 118 है, और 118 तत्वों में से एक तत्व है आपका कार्बन, और कार्बन अकेले ही लगभग 10 मिलियन कंपाउंड बनाता है। अब कार्बन अकेले इतना कंपाउंड बनाता है, तो इसका अध्ययन अगर हम एक इसका अध्ययन हम एक अलग शाखा के अंतर्गत हम करने लगे, तो जिसको हम कार्बनिक रसायन कहते हैं, और जो बचे हुए तत्व हैं 117 तत्व, उसका अध्ययन हम अकार्बनिक के अंतर्गत करने लगे, और कार्बनिक और अकार्बनिक का जो नियम और सिद्धांत है हम उसका अध्ययन आपके भौतिकी रसायन के अंतर्गत करते हैं। तो कहने का क्या मतलब निकला कि कार्बनिक रसायन क्या है, कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन है। अकार्बनिक क्या है, कार्बन को छोड़कर 117 तत्वों का, शेष सभी तत्वों का अध्ययन है, और आपकी जो भौतिकी रसायन है वह उनके नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन है। तो आओ हम सीखें। तो सबसे पहले हम बात करें आपकी अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन क्या है, हमने भी बताया कार्बन को छोड़कर शेष सभी तत्वों का अध्ययन है। तो आप लिख सकते हैं कि कार्बन को छोड़कर शेष सभी तत्वों का वह उनके यौगिकों का अध्ययन है। और यदि हम बात करें कार्बनिक रसायन की, तो अभी हमने आपको बताया कि कार्बनिक रसायन कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन है। कार्बनिक रसायन जो है आपका कार्बन व उसके यौगिकों का अध्ययन है, कार्बन व उसके यौगिकों का अध्ययन है, उसके यौगिकों का अध्ययन है। लेकिन इसके अंतर्गत आपका एक अपवाद भी है, जो कार्बन के ऑक्साइड और कार्बन के बाई कार्बोनेट का अध्ययन हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम नहीं करते हैं। और आपका भौतिकी रसायन क्या है, यदि हम बात करें भौतिकी रसायन की, जिसको हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम नियमों रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों व सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, नियमों व सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें लिखा है, कार्बनिक रसायन क्या है, तो हमने सीख लिया है कार्बन को छोड़कर शेष सभी तत्वों का और उनके यौगिकों का अध्ययन क्या है, अकार्बनिक रसायन है। अगर हम बात करें कि कार्बनिक रसायन क्या है, तो कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन है, लेकिन ऑक्साइड को आपको छोड़ना पड़ेगा, कार्बन के कार्बोनेट के जो आपके कार्बन होते हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा, बाई कार्बोनेट जो कार्बन बनाता है आप उन्हें छोड़ेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं उन्हें हम छोड़कर इसका अध्ययन करते हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं, अब की जो अवधारणा कहती है, तो इसके अंतर्गत वो कहते हैं हम कि हाइड्रोकार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन क्या है, उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन क्या है, आपकी कार्बनिक रसायन होता है। और भौतिकी रसायन क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के
नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। तो लेकिन एक चीज़ें और हम सीख लें कि आपकी जो कार्बनिक रसायन है, ये कार्बनिक रसायन आपका होती क्या है। तो कार्बनिक रसायन जो है, हमें देखा कि कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन है, लेकिन हम बात करें आपकी आधुनिक अवधारणा की, आधुनिक अवधारणा कहती है कि जो कार्बनिक रसायन क्या है, आधुनिक अवधारणा कहती है कि कार्बनिक रसायन जो है वो है आपके हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन व उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन है। हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन है। तो आधुनिक अवधारणा कार्बनिक रसायन के विषय में क्या बताती है, हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे यौगिक जिसमें क्या हो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो उनका अध्ययन। उसके व्युत्पन्नों का क्या मतलब, जब कोई हाइड्रोजन एटम किसी समूह द्वारा, किसी क्रियात्मक समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो एक नया यौगिक बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन क्या है, आपका कार्बनिक रसायन है। ठीक है, तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन क्लास, और कल से हम आपका स्टार्ट करेंगे कि सॉलिड स्टेट। सबसे पहले आप 5 चैप्टर क्लास 12th का पार्ट जो फर्स्ट है आपका पार्ट 1 है, उसमें आप 5 चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के मतलब भौतिकी रसायन का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपका आएगा कार्बनिक रसायन, इसके बाद आएगा आपका जो सेकेंड पार्ट है पार्ट 2, उसके अंतर्गत हम पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे कार्बनिक रसायन। तो सबसे पहला जो आपका इंटर में क्लास 12th में चैप्टर है भौतिकी रसायन का, फिजिकल केमिस्ट्री का, वह आपका है सबसे पहला आपका सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था है। इसके बाद है आपका विलयन, इसके बाद है आपका सरफेस केमिस्ट्री है, और इस प्रकार से आपके चैप्टर बने हुए हैं। तो 5 चैप्टर है, उसको हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे, लेकिन ये आपकी आधुनिक अवधारणा रही, इसे भी आप जानते रहिए, क्योंकि ये अक्सर बच्चे आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए आपकी आधुनिक अवधारणा क्या है, तो इसे आप जानते रहिए। और कार्बन रसायन के जो जन्मदाता है, एफ होलर माने जाते हैं, जिन्होंने बर्जीलियस के जैव सिद्धांत का खंडन किया था, अमोनियम साइनेट से प्रयोगशाला में यूरिया बनाया था। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम आपके अगले लेक्चर में, जो होगा आपका सॉलिड स्टेट, और आपका ये क्रैश कोर्स है आपको पता है, और क्रैश कोर्स को हम आपका 20 मार्च तक ख़त्म कर लेंगे। आपको पता है कि लगभग आपके 26 मार्च या इसके बाद से आपके एग्ज़ाम होने हैं, तो आप तैयार रखिएगा, रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे, आप इसको पढ़िएगा अच्छे से, जैसे कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।